यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे ना आईएएस बनना है, इसीलिए पढ़ाई कर रही हूँ। पहले शीशे में जाके अपनी शक्ल देख, ठीक है? और तू ना कितना भी पढ़ ले, कुछ नहीं बन सकती। तू जैसी लड़की है ना, नौकरानी बनने के लायक है। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी यहाँ पे पढ़ने आई हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना भी कुछ कर ले, तुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के ना कोई साफ सफाई का काम पकड़ ले। नहीं तो मैं प्रिंसिपल से बात कर लेती हूँ, जब बाथरूम साफ करने के लिए या ग्राउंड साफ करने के लिए तो रख ही लेते। यार ये टैक्स की प्रॉब्लम नहीं, ऑफिसर समझेगी या नहीं? यार ये लड़की हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रही है? पता नहीं, शायद ग्राउंड साफ कर रही होगी, पैसे चाहिए होंगे। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। इधर आना। पहचाना आपने मुझे? नहीं मैंने पहचाना तो नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है तुम्हें बख्शीश चाहिए। ये लो सॉरी। और हाँ, ऐसे दूर से मुस्कुरा के भीख मांगना ना सही नहीं है। नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। दीदी आपने मुझे शायद पहचाना नहीं, मैं नैना हूँ। मेरी मम्मी आपके घर में काम करती थी। अच्छा तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे ना आईएएस बनना है, इसीलिए पढ़ाई कर रही हूँ। देखो तुझे जो करना है ना कर, बस मुझसे दूर रहना, समझी? क्यों दीदी, आप मेरी दोस्त नहीं हो? दोस्त? तुम ऐसे लोगों से दोस्ती करती हो क्या? अबे तू पागल है क्या? तूने अपनी शक्ल भी देखी है? तुझे एडमिशन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारे बराबर आ गई है। क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सही तो बोल रही है वो। पहले शीशे में जाके अपनी शक्ल देख, ठीक है? और तू ना कितना भी पढ़ ले, कुछ नहीं बन सकती। तू जैसी लड़की है ना, नौकरानी बनने के लायक है। प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, आपको दोस्ती नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मगर ऐसे तो मत बोलिए ना। अबे मैं तो क्या, कोई भी तुझसे दोस्ती नहीं करेगा, सबको अपनी रेपुटेशन प्यारी है। हाँ तूने अपनी शक्ल देखी है, तेरे साथ तो कोई खड़ा भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी यहाँ पे पढ़ने आई हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना भी कुछ कर ले, तुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के ना कोई साफ सफाई का काम पकड़ ले। नहीं तो मैं प्रिंसिपल से बात कर लेती हूँ, तुझे बाथरूम साफ करने के लिए या ग्राउंड साफ करने के लिए तो रख ही ले। दीदी ये क्या बोल रहे हो आप? सही तो बोल रही हूँ, तेरी माँ जो काम करती थी वही तो करेगी ना तू, इसमें गलत क्या है? जा रही है तो जा, समझे दूर रहना। यार ये टैक्स की प्रॉब्लम नहीं, ऑफिसर समझेगी या नहीं? अरे पापा ने कॉल कर दिया होगा अभी तक, तो टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। अरे नैना तू, मैं तो फालतू में टेंशन ले रही थी, अब मुझे यकीन है कि मेरी फाइल पास हो जाएगी। कौन सी फाइल है तुम्हारी? ये क्या कर रही हो यार? यार मैं तुम्हारे कोई यार वार नहीं, आईएएस ऑफिसर हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं जिसे तुम कुछ भी बोल सको। तुम अभी भी उस कॉलेज की बात को लेके बैठी हो और गुस्सा हो हमसे? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्साऊंगी, तुम लोग मेरे कोई दोस्त थोड़ी ना जो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन हाँ, तुम दोनों को जो तमीज नहीं है, यूं कह लो कि जो तुम्हें अपने पैसे का घमंड है, वो आज जरूर टूट जाएगा। क्योंकि हर जगह ना कि तुम्हारा पैसा काम नहीं आता, कुछ जगहों पर ना इंसानियत काम आती है और अपने अच्छे कर्म काम आते हैं। अरे लेकिन तुम्हें इंसानियत के बारे में कैसे पता होगा? इंसानियत वर्ड तो तुमने कभी सुना ही नहीं होगा ना। आई एम सॉरी यार, मैंने जो भी बिहेव किया था तुम्हारे साथ, आई एम रियली सॉरी। मुझे सब समझ में आता है कि अभी तुम ये सॉरी वॉरी क्यों बोल रही हो, अपना काम निकलवाने के लिए ना, लेकिन अभी ये सॉरी वॉरी काम नहीं आएगा। मैंने तुम लोग की फाइल पढ़ी है, ये फाइल सही नहीं, इलीगल है अगर मैं इसे पास करूँगी तो, और मैं कोई इलीगल काम नहीं करती। तो नेक्स्ट वीक आ जाना, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। बाकी हाँ एक और चीज़ कहूँगी, कभी किसी गरीब को ना इतना मत बोलना कि वो इतने ऊपर तुमसे चले जाए कि फिर तुम्हारी खुद की बात ना गलत साबित हो जाए और फिर तुम्हें ऐसे शर्मिंदा होना। अब तुम यहाँ से जा सकते हो।